हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों हम सबको भली भांति पता है कि हमारे भारत देश में रोजगार की काफी कमी है और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी बीच भारत में बेरोजगारी के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। जी हाँ, फरवरी के महीने में देश में बेरोजगारी की दर 7.78% हो गई है। अक्टूबर 2019 के बाद यानी कि पिछले 4 महीनों में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी में बेरोजगारी दर 7.16% थी, जो अब फरवरी में ये आंकड़ा 7.78% हो गई है। यह आंकड़ा देश में आर्थिक मंदी की गंभीरता को दिखाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर काफी बढ़ गई है। फरवरी महीने में गाँव में बेरोजगारी 7.37% हो गई है। जनवरी में यह आंकड़ा 5.97% थी। हालांकि शहरी इलाकों में बेरोजगारी घटी है। पारंपरिक खेती में नुकसान झेल चुके छपरा के किसान अब धीरे धीरे वैसे खेती की तरफ बढ़ रहे हैं जहां नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा हो। ऐसा ही कुछ किसानों ने अब छपरा में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है, जिसके जरिए किसान लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि छपरा का जलवायु स्ट्रॉबेरी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसके बावजूद किसानों ने कड़ी मशक्कत करके इसकी फसल तैयार की है, जो बाजार में काफी पसंद की जा रही है। पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। जी हाँ, छपरा में इन दिनों किसान कुछ इसी तर्ज पर खेती कर रहे हैं। बार बार पारंपरिक खेती से नुकसान झेल चुके किसानों ने अब औषधीय खेती और स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। इससे जहाँ किसानों को मोटा मुनाफा हो रहा है, वहीं अन्य खेतीहारों के लिए नया विकल्प भी तैयार हो रहा है। देश के सभी राज्यों को एक साथ आजादी मिली थी, किंतु आजादी के 70 साल बाद भी बिहार आज भी पहले की तरह ही पिछड़ा हुआ है। जबकि दिल्ली मुंबई जैसे शहर की चमक लगातार बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा IAS और IPS देने वाले बिहार राज्य के लोगों को ही रोजगार, व्यवसाय और पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है। ये बातें लोजपा के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने मुंगेर सर्किट हाउस में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान पत्रकारों से कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के अधिकांश जिलों में 100 नंबर काम नहीं करता है, ऐसे लोग आपात और मुसीबत के समय पुलिस का सहयोग कैसे ले पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि टीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार झारखंड की गति से नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। टीबी की बीमारी पर लगाम लगाने और उन्मूलन को लेकर बिहार झारखंड अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी फिसद्दी साबित हो रहा है। 18 और 19 फरवरी को रायपुर स्थित एम्स में पूर्वी जोन के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की बैठक हुई। इसमें पांचों राज्यों में टीबी उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया है कि पांचों राज्य में जांच और इलाज का स्तर तो कमोबेश समान है, लेकिन टीबी की बीमारी पर शोध करने में बिहार और झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की स्थिति तीनों राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम है और बहुत ही बुरी है। देश और राज्य स्तर पर मशहूर हुए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि कठिन परिश्रम के साथ इरादे अच्छे हो तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। गरीबी से निकलने और विकास के लिए बच्चों को शिक्षित बनाना जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बच्चों को शिक्षित करके राज्य और देश के गरीब परिवार के लोगों की स्थिति में व्यापक सुधार किया जा सकता है, साथ ही राज्य और देश को विकसित बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी रखते हुए सुपर 30 का एक और विस्तार किया जाएगा। हाजीपुर में भी पटना की तरह ही सुपर 30 शुरू होगा। इसी सत्र में इस स्कूल में सुपर 30 की परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि बच्चों को शिक्षित करके भविष्य निर्माण होना चाहिए। इस स्कूल को इसी पैटर्न पर चलने की नसीहत दी है। जनता दल यूनाइटेड से हाल ही में निष्कासित किए गए नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। पीके ने सवाल किया है कि आपके 15 साल के शासन के बाद भी बिहार देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐलान किया कि क्षमता के अनुसार शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार मौका मिले तो हर खेत को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय के बाद आगे भी निश्चय होगा और उसे भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोजगार दे रहे हैं और उससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी शंखनाद किया। टिकटॉक से विदेश तक छाया बुलंदशहर के फैजुल कादरी का मिनी ताजमहल।
जी हाँ, अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए बेगम की याद में बनाए गए फैजुल हसन कादरी का मिनी ताजमहल टिकटॉक ऐप पर काफी विराल हो गया है और ये विदेशों में भी छा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा के ताजमहल पहुंचने के बाद कादरी के मिनी ताजमहल के टिकटॉक पर लोग दीवाने हैं। टिकटॉक यूजर फैजुल हसन कादरी के ताजमहल की वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं। मिनी ताजमहल के 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और 6 लाख से अधिक लोग इसे अब तक देख चुके हैं। 2 लाख लोगों ने मिनी ताजमहल की वीडियो को शेयर भी किया है। यूं तो प्यार के किस्से सदियों तक सुना जा रहा है। शाहजहां ने अपने बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। शाहजहां और मुमताज की कहानियां लोगों के जहन में भी जिंदा है। LS कॉलेज में भोजपुरी में PG की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर बिहार विश्वविद्यालय यानी कि बिहार विश्वविद्यालय ने पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 2016 और 2018 में हुई सीनेट और सिंडिकेट की बैठक में LS कॉलेज में भोजपुरी में PG की पढ़ाई के लिए अनुमति मिल गई थी। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कल सोमवार से ऑनलाइन परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए आवेदकों को जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा पास करते ही आवेदकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। 10 मिनट की परीक्षा में आवेदकों से 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से 6 सवालों का जवाब देने पर आवेदक को लर्निंग लाइसेंस मिल सकेगा। ये सवाल ट्रैफिक के नियमों और सिग्नल से जुड़े होंगे। परिवहन विभाग ने 1 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था शुरू की है। भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी ही महिला के बारे में जिन्होंने भारत में सबसे पहले जेट फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रची थी। आपको बता दें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने लड़ाकू विमान MiG-21 अकेले उड़ाकर इतिहास रच दिया है। वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बन गई है जिन्होंने अकेले ही जेट विमान को दिन भर खुद से उड़ाया है। बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली भावना कंठ जेट फ्लाइट प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली है। आपको बता दें कि जेट फाइटर प्लेन की स्पीड काफी तेजी होती है और अब तक इसे महिलाओं को उड़ाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन भावना कंठ ने इसे अकेले उड़ाया है। भावना बिहार के दरभंगा जिले की है, हालांकि उनकी पैदाइश बेगूसराय जिले के बरौनी में हुई है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 तक तय की है। यानी कि आपके पास आधार से पैन को लिंक करना बस इसी महीने का समय बचा हुआ है। अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। बिहार के एक रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों ने मात्र 4 घंटे 15 मिनट में ही रेल पुल बनाकर तैयार कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो यह रेल पुल रोड अंडरपास था। जानकारी के अनुसार ये अंडरपास सहरसा मधेपुरा रेलखंड पर 12 फीट ऊंचा बनाया गया। कहा जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों ने समय से पहले ही इस रेल पुल अंडरपास का निर्माण कर दिया। बिहार के अंडर 19 महिला टीम ने वनडे मैच में सिक्किम की टीम को करारी शिकस्त दी है। बिहार के अंडर 19 महिला टीम ने सिक्किम की टीम को मात्र 76 रन पर ऑल आउट कर दिया और मैच को 127 रनों से जीत लिया। अब घर की छत पर आप सिर्फ सब्जी ही नहीं उगा सकते हैं बल्कि मछली पालन भी कर सकते हैं। मत्स्य विभाग की इस योजना से जिले के इच्छुक लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही है। बायोफलोक विविध से मछली पालन की इस योजना के लिए शुरुआत के दौर में मछली पालकों को कुछ यूनिट के लिए अनुदान देने का भी प्रावधान है। अगर योजना लोकप्रिय हुई तो इसे भविष्य में और विस्तार दिया जा सकता है। जिला मत्स्य पदाधिकारी संजय कुमार किस्को ने बताया कि इस प्लांट को लगाने के लिए घर की छत का इस्तेमाल होगा, लेकिन छत को कोई नुकसान नहीं होगा। मछली पालन के लिए प्लास्टिक पॉन्ड बनाया जाएगा जो एक फ्रेम पर टिका हुआ रहेगा। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के कई हिस्सों में मौसम करवट ले ली है। रविवार की शाम से ही बदलाव शुरू हो गया था। पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में पूरा उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ ही बिहार के मौसम में भी परिवर्तन देखा जा रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्र में फसलों को नुकसान का खतरा है। पहले हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश होने से मौसम में गिरावट दर्ज की जाएगी जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। बारिश होने से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को होगा। बिहार में परिचारिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
आप ऑनलाइन के द्वारा इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2020 है। योग्यता की बात करें तो आपको योग्यता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए और आयु सीमा 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। पूर्णिया के आरजेडी नेता अरुण यादव पार्टी के प्रदेश महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर नव निर्वाचित महासचिव ने कार्यभार देने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव का आभार जताया है। वहीं पूर्णिया के आरजेडी जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा है कि अरुण यादव के महासचिव पद पर चुने जाने से संगठन और मजबूत होगा। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।